एक बच्चा जो बूढ़ा पैदा हुआ। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है जो अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने अपनी बेटी कैरोलाइन को, जो अस्पताल में उसका ध्यान रख रही थी, एक डायरी पढ़ने को कहा। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हर तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन इन महाशय को घर पहुंचने की बहुत जल्दी है। थॉमस बटन घर पहुंचने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने मरने से पहले एक लड़के को जन्म दिया है, जिसकी हड्डियां और खाल एक बूढ़े आदमी की तरह है। थॉमस बच्चे का चेहरा देखकर चौंक गया और उसे उठाकर घर से बाहर भागा। उसने सोच लिया था कि वो इस कलंक के साथ नहीं जिएगा। उसकी संदिग्ध हरकतों को देखकर एक पुलिस वाला उसका पीछा करने लगा। थॉमस ने किसी तरह बचते बचाते उस बच्चे को एक घर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया। एक जवान दंपति जोड़ा, क्वीनी और टिजी, घर से बाहर जाने की तैयारी में थे। अचानक क्वीनी की नजर सीढ़ियों पर रखे बच्चे पर पड़ी, मगर उसकी झुर्रियों से भरी खाल को देखकर वो डर गई। इस सब के बावजूद वो उसे घर के अंदर ले आई, जो कि असल में एक वृद्धाश्रम है। क्वीनी एक डॉक्टर को बुलाती है, जिसने उन्हें बताया कि इस बच्चे का शरीर बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह है। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ जीव जीने के लिए बने ही नहीं होते, जिस पर क्वीनी ने जवाब दिया कि ये बच्चा एक चमत्कार है, बस वैसा नहीं जैसा सब चाहते हैं। उसने बच्चे का नाम बेंजामिन रखा और उसे सबसे मिलवाने बाहर ले आई। उसके झुर्रियों से भरे चेहरे को देखकर एक औरत ने तो ये तक कह दिया कि ये उसके पिछले पति की तरह दिखता है। कुछ साल बीते और बेंजामिन के सामने एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया। वो समझ ही नहीं पाता कि वो बाकी सब की तरह एक बूढ़ा आदमी है या एक बच्चा। गुजरते समय के साथ हर रोज कोई ना कोई वृद्धाश्रम में मरने लगा, लेकिन न जाने कैसे बेंजामिन का शरीर दिन पर दिन जवान होता जा रहा था। उसकी छाती और काखों में बाल उगने लगे और छोटा बेंजामिन, जो हमेशा बैठा रहता था, वो भी उठ खड़ा हुआ। एक दिन उसकी नजर वहां रहने वाली एक औरत की पोती डेजी पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे प्यार हो गया। डायरी में इस बात को पढ़कर कैरोलाइन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि क्या वो जानती हैं कि बेंजामिन पहली नजर में ही उनसे प्यार कर बैठा था। उसकी माँ ने उसे कहानी आगे पढ़ने को कहा। बेंजामिन और डेजी की दोस्ती बढ़ने लगी। एक रात डेजी ने बेंजामिन को उठाकर पूछा, तुम बाकी सब जैसे नहीं हो, है ना? मैं उतना भी बूढ़ा नहीं जितना दिखाई देता हूँ, बेंजामिन ने जवाब दिया। इतने में डेजी की दादी वहां आ गई। उसने बेंजामिन से कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया हरकत करते हुए। बेंजामिन बहुत दुखी हो गया, पर फिर उसकी माँ ने उसे समझाया कि दुनिया में हर कोई उसे समझ नहीं पाएगा। कुछ दिनों बाद बेंजामिन एक जहाज पर काम करने लगा। बातचीत के दौरान जहाज के कप्तान को पता चला कि बेंजामिन अभी तक एक वर्जिन है। उसकी ये बात सुनकर कैप्टन माइक को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो कहता है कि बेंजामिन का ये स्टेटस तो वो बदल के रहेगा। अगले दिन दोनों एक कोठे पर गए जहाँ कोई भी लड़की बेंजामिन के साथ नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ देर बाद एक लड़की मान गई और सबको पता चला कि हमारे बेंजामिन भैया तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वे। डेजी फिर से अपनी दादी से मिलने वृद्धाश्रम आई। अब वो थोड़ी और बड़ी हो गई थी। इस बार बेंजामिन ने डेजी को उठाया और उसे जहाज पर ले गया। उन दोनों ने एक साथ प्यार भरा समय बिताया और नजारों के मजे लूटे। कुछ दिनों बाद बेंजामिन कैप्टन माइक के साथ एक बहुत बड़े समुद्री सफर पर निकल गया। उसे जाता देख डेजी की आंखें नम हो गई और उसने बेंजामिन से कहा कि तुम जहां भी जाओ मुझे खत जरूर लिखना। वर्तमान समय में कैरोलाइन अपनी माँ को भेजे हुए बेंजामिन के सभी पोस्ट कार्ड्स को देखती है। डेजी ने भी बेंजामिन को खत भेजकर अपने डांसर बनने के सपने को जाहिर किया था। जहाज पर कप्तान माइक ने नोटिस किया कि बेंजामिन की हाइट बढ़ रही है। एक दिन होटल की लिफ्ट में बेंजामिन ने देखा कि एक औरत उसे घूर रही थी। देर रात दोनों फिर से होटल की लॉबी में मिले। उसने अपना नाम एलिजाबेथ बताया। बातों बातों में पता चला कि वो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली औरत बनना चाहती थी। उन दोनों की दोस्ती ने जल्द ही प्यार का रूप ले लिया। बेंजामिन ने इस बारे में डेजी को खत भी लिखा, जिसे पढ़कर वो उदास हो गई। एक दिन बेंजामिन को एलिजाबेथ होटल की लॉबी में नहीं मिली। उसने उसे होटल में हर जगह ढूंढा, फिर उसका इंतजार करता करता वहीं सो गया। लेकिन जब उसके उठने पर भी एलिजाबेथ वहां पर नहीं थी, तो वो समझ गया कि वो उसे छोड़कर जा चुकी है। बेंजामिन को बार में कैप्टन माइक और उसके बाकी साथी मिले। कैप्टन सबको बताता है कि जापानियों के पर्ल हार्बर पर किए हमले की वजह से इमरजेंसी में उन्हें भी नेवी में भर्ती होना पड़ेगा। जो युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता, वो जहाज पर अपना काम छोड़कर जा सकता है। जिस पर बावर्ची ने जहाज को छोड़ने का फैसला लिया और बेंजामिन उसकी जगह फिर से जहाज पर काम करने लगा। जहाज पर सभी अपने काम को अच्छे से निभाते हैं। नेवी का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें हिंसा का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन एक दिन युद्ध ने उन्हें ढूंढ ही लिया। समुद्र में उन्हें एक जहाज दिखाई पड़ा जिसे एक टोरपीडो मिसाइल ने बीच से आधा तोड़ दिया था। अचानक उनके सामने पानी के नीचे से एक सबमरीन निकल कर आई। दोनों ओर से बमबारी शुरू हो गई। एक एक करके जहाज में लोग मारे जा रहे थे। कैप्टन माइक समझ गया था कि वो एक लड़ाकू सबमरीन का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने जहाज का रुख सबमरीन की ओर मोड़ दिया। जहाज के सबमरीन से टकराते ही एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ।
जिसमें सब मरीन तहस नहस हो गई। इस भयंकर लड़ाई के बाद जहाज पर सिर्फ बेंजामिन ही जिंदा बचा। कुछ समय बाद वो घर वापस लौट आया। वहां पहुंचकर बेंजामिन को पता चला कि डिजी अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ हफ्तों बाद डेजी वृद्धाश्रम में बेंजामिन को खोजते हुए आई, जहां वो उसके बढ़े हुए कद और पहले से जवान चेहरे को देखकर अचंभित हो गई। वो बेंजामिन से कहती है कि वो वाकई में उतना खास है जितना उन्होंने सोचा था। लेकिन बेंजामिन की आंखें तो बस डेजी के चेहरे पर अड़ी रही। उसकी बचपन की दोस्त डेजी अब नहीं रही थी, उसकी जगह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने ले ली थी। जिस पर अस्पताल में लेटी डेजी पूछती है, खूबसूरत? कैरोलाइन ने पेज पलट कर देखा और कहा, सबसे खूबसूरत। वो दोनों डिनर करने एक रेस्टोरेंट में गए। डिनर के बाद डेजी बेंजामिन को लुभाने के लिए डांस करती है। उसके इरादे चमकते सूरज की तरह साफ थे, लेकिन बेंजामिन ने उसे रोकते हुए कहा कि वो उसे निराश नहीं करना चाहता। और फिर तुम कल न्यूयॉर्क वापस भी तो जा रही हो। डेजी नाराज होकर वहां से चली गई। एक दिन थॉमस बटन, बेंजामिन के असली पिता, उससे मिलने आए। दोनों उसकी फैक्ट्री में गए, जहां थॉमस ने बेंजामिन को बताया कि वो उसका असली पिता है। उसे जन्म देते ही उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके बाद उसने बेंजामिन को वृद्धाश्रम की सीढ़ियों पर छोड़ दिया। वो दोनों थॉमस के घर गए, जहाँ बेंजामिन ने अपनी माँ की कुछ तस्वीरें देखी। थॉमस ने उसे बताया कि उसने अपनी पूरी जायदाद बेंजामिन के नाम कर दी है। वो बहुत बीमार था, कोई नहीं जानता था कि कब तक जी सकेगा। बेंजामिन भावुक होकर वहां से चला गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद अपने बीमार पिता के घर लौटा। थॉमस की हालत पहले से बदतर लग रही थी। बेंजामिन थॉमस को उगता सूरज दिखाने के लिए बाहर ले आया, जहां उसने अपनी आखिरी सांसें ली। सारी जायदाद बेंजामिन की हो जाने से वो रातों रात अमीर हो गया और डेजी से मिलने न्यूयॉर्क आ गया। बेंजामिन थिएटर के बैकस्टेज एरिया में डेजी से मिला, पर वो उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। उसके डिनर के लिए पूछने पर भी डेजी ने मना कर दिया। उसकी जगह उसने बेंजामिन को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में चलने को कहा, जहां पर बेंजामिन डेजी को किसी और लड़के के साथ देखता है। ये देखकर वो वहां से बाहर जाने लगा। डेजी ने उसका पीछा किया और पूछा कि उसे क्या लगता है कि वो सारी उम्र उसका इंतजार करती रहेगी। कुछ बातें करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अगले 5 साल तक डेजी की जिंदगी उसके डांसिंग करियर के आले दुआले घूमती रही। एक दिन अचानक बेंजामिन को एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि डेजी का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और अब वो अस्पताल में दाखिल है। वो डेजी से मिलने वहां गया, पर वो नहीं चाहती थी कि बेंजामिन उसे इस हालत में देखे, इसलिए उसने गुस्से में उसे जाने को कहा, लेकिन ये जरूर नोटिस किया कि बेंजामिन पहले से भी ज्यादा जवान और खूबसूरत हो गया है। दिल टूट जाने के बाद बेंजामिन अपनी कवारी जिंदगी का पूरा लुफ्त उठाने लगा। उसने कई औरतों के साथ संबंध बनाए, लेकिन डेजी की कमी को कोई पूरा नहीं कर पाई। कुछ सालों बाद डेजी बेंजामिन से मिलने वापस आई। एक दूसरे को देखते ही दोनों सारे गिले शिकवे भूल गए। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को बयां किया और आखिरकार एक लंबे सफर पर निकल गए, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक बहुत लंबे समय के बाद उन दोनों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन जब वो बिस्तर पर लेटे थे, तो डेजी ने बेंजामिन से पूछा कि क्या वो उसे तब भी इतना ही प्यार करेगा जब वो बूढ़ी हो जाएगी और उसका खूबसूरत चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा। बेशक, बेंजामिन ने जवाब दिया। जब वो घर वापस आए तो उन्हें पता चला कि क्वीनी, बेंजामिन को पालने वाली उसकी माँ की डेथ हो गई थी। हम देखते हैं कि बेंजामिन और डेजी की जिंदगी एक साथ बहुत अच्छे से बीत रही थी। डेजी ने एक डांस स्टूडियो खोल लिया, जहां वो छोटी बच्चियों को डांस करना सिखाती। एक दिन बेंजामिन स्टूडियो में डेजी को बताता है कि वो उसके साथ बहुत खुश है और चाहता है कि पूरी जिंदगी बस यूं ही बीत जाए, जिस पर डेजी ने उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। इस बात पर शुरुआत में तो बेंजामिन बहुत खुश हुआ, लेकिन बाद में उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या होगा अगर बच्चा मेरी तरह पैदा हुआ तो? बेंजामिन ने डेजी से पूछा। तो मैं उसे और ज्यादा प्यार करूंगी। ये कहकर डेजी बाथरूम में चली गई और बेंजामिन का ध्यान टीवी पर आया, जहां रिपोर्टर्स इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली सबसे बूढ़ी औरत का इंटरव्यू ले रहे थे। ये महिला कोई और नहीं, एलिजाबेथ थी, और वो कहती है कि सब कुछ मुमकिन है। उसके ये शब्द सुनकर बेंजामिन ने अपनी नकारात्मक ख्यालों की रेल पर ब्रेक लगा दी। उन्हें एक लड़की पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने बेंजामिन की माँ के नाम पर रखा, कैरोलाइन। ये मेरे पिता हैं, और तुम मुझे ऐसे बता रही हो? कैरोलाइन ने अपनी माँ से पूछा। कुछ सालों बाद बेंजामिन ने डेजी से कहा कि उसे कैरोलाइन के लिए एक काबिल बाप ढूंढना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी उम्र घट रही है, वो एक बाप होने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकेगा। बेंजामिन अपनी सारी संपत्ति को बेचकर पैसे एक बैंक अकाउंट में डालकर डेजी और अपनी बेटी के लिए छोड़कर चला गया। कैरोलाइन बेंजामिन की उसके लिए लिखी कुछ चिट्ठियों को पढ़कर भावुक हो जाती है। उसने लिखा था कि काश वो कैरोलाइन के साथ उसकी जिंदगी में एक पिता की तरह रह पाता। डायरी में आगे पता चला कि बेंजामिन ने कुछ साल भारत में भी गुजारे थे। लगभग 12 साल के बाद बेंजामिन वापस लौटा। डेजी उसे देखकर चौंक गई। थोड़ी देर बाद वहां कैरोलाइन और डेजी का नया पति भी आ गए।
बेंजामिन ने कैरोलाइन से हाथ मिलाया। वो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सका। उस रात डेजी बेंजामिन से मिलने वापस आई और उन दोनों ने कुछ प्यार भरे लम्हे साथ बिताए। सालों बाद एक दिन डेजी को एक फोन आया। पुलिस ने एक बच्चे को अपनी हिरासत में लिया था जिसे उन्होंने अकेला घूमते हुए पकड़ा। उसके पास उन्हें ये डायरी मिली जिसमें डेजी का नाम बार बार आ रहा था और उसका एड्रेस भी लिखा था। ये बच्चा कोई और नहीं, खुद बेंजामिन था। डेजी ने उसकी देखरेख का जिम्मा ले लिया। उसके आखिरी सालों में वो उसे एक माँ की तरह संभालने लगी। देखते ही देखते उसकी उम्र घटने लगी और वो सब कुछ भूलता चला गया। डेजी बताती है कि अपने आखिरी लम्हे में बेंजामिन ने उसकी और कुछ यूं देखा कि मानो उसे सब कुछ याद हो, और फिर उसने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। एक आखिरी बार उसे याद करते हुए डेजी भी चल बसी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।